भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। अब प्रत्येक रूप का नाम का ऐसा वर्णन किया जा सकता है, केशव का, माधव का, गोविंद का, गोपाल का। अब गोपाल क्या रूप है? एक हाथ में लकुटी, एक हाथ में वंशी, ये रूप है। गोपाल धाम क्या है? जो श्री ठाकुर जी गोवर्धन की तलहटी पर गौचारण के लिए जाते, वन श्री वृंदावन, ये गौचारण का धाम है। रूप हो गया, नाम हो गया, धाम हो गया, लीला, लीला ठाकुर जी अघासुर लीला कर रहे हैं, बकासुर लीला कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, ये लीला है। और गोपाल का गुण है, गुण क्या है? इंद्रिय पालन, अर्थात आपकी प्रत्येक इंद्रियों को तृप्त करने की जिसके पास शक्ति हो, ये गुण है। इसी भाव पर मैं प्रत्येक जगह ले जा सकता हूं, पर ये तीन आपको दृष्टांततः कहे गए, नाम धाम रूप लीला गुण, किसी भी संदर्भ में ये पांच चीजें प्रकट होती हैं, चाहे राम हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वाराह हो, चाहे कूर्म हो, चाहे वामन हो, चाहे कोई हो। और ये मात्र भगवान तक सीमित नहीं है, व्यक्ति पर भी सीमित है। किसी संत का नाम लो तो उसके स्थान का भी जिक्र आ जाएगा, उसके रूप का भी चिंतन हो जाएगा। हमारे बड़े महाराज जी का नाम लो, पूज्यपाद श्री मन्माथ गोड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, नाम लेते रूप का स्मरण हो आएगा। एक हाथ में माला, एक दंतावली उनकी दर्शित, हाथ में बैंत, सुंदर पादुका, धाम का भी चिंतन हो जाएगा, श्री वृंदावन मोती झील, उनकी लीला। लीला से संत की लीला क्या है? कथा, भक्तों पर कृपा। कितनी कितनी बड़े महाराज जी की कितनी लीलाओं का चिंतन हो जाएगा। और उनका गुण, बाबा तीन जगह का सामंजस्य मैंने किसी और व्यक्तित्व में नहीं देखा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों अथा समुद्र हैं। और कोई एक चीज पाले उसका जीवन धन्य है, पर मेरे गुरु में ये तीनों चीज भरपूर है महाराज। भजन भी पक्का है, भक्ति भी पक्की है, ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। जब वो बोलते ऐसा लगता मुख में सरस्वती नृत्य कर रही है, और वैराग्य की भी पराकाष्ठा। तो ये समझिएगा, नाम धाम रूप लीला गुण। तो श्री ठाकुर जी बोले, हे प्रिया जी, ये नाम धाम रूप लीला गुण ये पांचों मेरे हैं, पर एक चीज है, पूरी दुनिया इस नाम धाम रूप लीला गुण का मजा ले रही है। उसमें सबसे ज्यादा मजा तो नाम का, सब कह रहे हैं हरे कृष्ण, सब कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, सब कह रहे हैं श्री कृष्ण शरणम मम, सब कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण 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 है मेरा नाम, और मैं जिसको देखता हूं ये लेते हुए वही आनंद में डूबा होता है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सब जगह मैंने देखा। तो मैं किशोरी जू आज इसलिए इस कामना से उदास बैठा हूं कि जिस मेरे नाम धाम रूप लीला गुण को लेकर सब लोग इतने मस्त हो जाते हैं, वास्तव में उस नाम धाम रूप लीला गुण में ऐसी क्या मस्ती है? ये तो ऐसे ही हुआ मानो बर्फ के पहाड़ों ने नदियों से पूछ लिया हो, कभी मेरी प्यास भी बुझाओ। ये तो ऐसे ही हुआ कि मानो वृक्ष ने फलों से पूछ लिया हो कि कभी मेरी भी भूख मिटाओ। भगवान ने कहा मेरे नाम की मस्ती क्या है मुझे नहीं मालूम। किशोरी जी बोली, हे भगवान, अगर आपको अपने ही नाम का मजा लेना है तो वो मुझे आपको मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। सेठानी जी धन देती है, समुद्र का जल सीधे पियो तो खारा लगेगा, पर समुद्र का जल जब बादलों से बरसता है तो मीठा हो जाता है। ऐसे ही भगवान का रस सीधा पियोगे तो ऐश्वर्यता लगेगी, पर जब वही रस
किशोरी जी के बादल से बरसता है तो मीठा हो जाता है, भक्तों से बरसता है तो मीठा हो जाता है, संतों से बरसता है तो मीठा हो जाता है। किशोरी जी ने कहा आओ मेरा आश्रय स्वीकार करो, तो वही कृष्ण वर्ण तुजा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधस। तो वही श्री कृष्ण श्री राधा रानी के भाव में सम्मिलित हो गए, राधा भाव भावित हो गए, मतलब रूप राधिका का है, भोक्ता कृष्ण है। जैसे शरीर ऊपर हमारा है, भोक्ता मन है, शरीर राधिका का है, भाव भीतर भोक्ता कृष्ण है, कृष्ण ही राधा भाव भावित हो गए।